नमस्कार, खबर अर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। पुलिस ने किया अवैध गुटखा जब्त, कीमत लगभग 36 लाख। जीटी एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। बेटी बचाओ अभियान को लेकर आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता, 400 बच्चों ने लिया भाग। और कटी घाटी पर ऑल्टो कार में लगी आग, हुआ चक्का जाम। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात चेन्नई से दिल्ली जाने वाली जीटी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में एक पत्रकार एसपी वर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चेन्नई से नई दिल्ली जा रही ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ग्वालियर के समीप स्थित सितौली रेलवे स्टेशन के पास आगजनी का शिकार हो गई। आग ऐसी थी कि बोगी में लगी और देखते ही देखते AC 3 की 2 बोगियों आग की लपटों में धू धू करके गिर गईं। इससे इन सब बोगियों में सवार 124 मुसाफिरों की जान पर बन आई। जीटी एक्सप्रेस में आग की लपटें देखकर तुरंत ही चैन खींचकर रोका गया। इस पर यात्री इतनी दहशत में थे कि उन्होंने रेल के पूरी तरह से थमने से पहले ही जान बचाने के लिए डिब्बों से कूदना शुरू कर दिया। जीटी एक्सप्रेस में आग से एक मुसाफिर की मौत हो गई। यह उन बोगियों में सवार नहीं था जिसमें आग लगी। यह S1 में सफर कर रहा था, पर आग की खबर लगते ही इनकी नींद टूटी और इसके साथ ही दिल का दौरा इन्हें पड़ा और इन्होंने बोगी में ही दम तोड़ दिया। जीटी एक्सप्रेस में आग के कारण कई घंटों तक अप और डाउन ट्रैक पर यातायात ठप रहा, क्योंकि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन को सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया था। इस कारण रात में ग्वालियर पहुंचने वाली गाड़ियां सुबह पहुंची। ले बेटा दूर से, बाद में चले दूर से, जो ऐसा ना हो कि कोई और बात हो जाए। चलो और थोड़ी हट जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा दूर बना, दूरी बना, और हट जाइए दूर प्लीज, थोड़ी दूरियां बनाए रखो हैं। अब इसमें भी उसमें भी जा रही है, कोई बात नहीं। ओके बार बार कहने पे क्या मतलब है यार, है कोई नहीं था भाई, बीच में पैर में बसना भैया। बेटी बचाओ अभियान को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 400 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने 400 मीटर लंबी पट्टी जो पड़ाव से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तक बिछाई गई थी, उस पर चित्र बनाए। बेटी बचाओ अभियान को समर्पित एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इसके लिए 400 मीटर लंबी पट्टी पर पड़ाव चौराहे से पॉलिटेक्निक तक पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग में बेटी बचाओ थीम पर आधारित चित्र बनाए गए थे। इस प्रतियोगिता का एक अन्य उद्देश्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना भी था। प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा सराहनीय कार्य दिखाया गया। एमपीसीसी मध्य प्रदेश सरकार। मैं डॉक्टर संजीव बंगराड़े, प्रिंसिपल मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आज ये जो हम लोगों का प्रयास है, इसमें यहाँ पे ग्वालियर के सभी स्कूलों से छात्र आए हुए हैं और यहाँ पे आज विशेष रूप से मैं आपको ये बताऊँ कि ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए प्रयास हम लोगों के द्वारा है, जिसमें 400 मीटर के कपड़े के ऊपर आज जो छात्र छात्राएं हैं वो ड्राइंग अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे विशेष हमने ये रखा है कि ये जो ड्राइंग यहाँ पे बनाई जा रही है, ये पूरी सेव द गर्ल चाइल्ड के ऊपर बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सबको संदेश देना चाहते हैं कि आज के समय में सेव द गर्ल चाइल्ड ये एक हमारा नारा है और हम सब लोग को इस पे पालन करना चाहिए।
हाँ, ये पूरे जो भी बच्चे यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, इसमें उन लोगों का एक ही मात्र थीम है जो कि बेटी बचाओ के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारा यही सोचना रहता है कि क्यों ना हम एक इनको बचपन से ये बताएं कि गर्ल चाइल्ड क्या होती है, ताकि वो उनके मन में एक समानता का भाव रहे, क्योंकि आगे जो हमारा भविष्य बनेगा वो इन्हीं लोगों से बनेगा। तो हमारा एक ये प्रयास रहा है, हम लोग ये निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि हम एक अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दें और एक समाज में बेहतर बेहतर से बेहतर हम समाज दे सकें। हमारे यहाँ पे 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है और 400 मीटर का पूरा क्लॉथ है जिस पे लोग बना रहे हैं, और ये पूरा प्रोसेस डायरेक्टली मॉनिटर हो रहा है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। नहीं, इसमें कोई भी हमने प्राइज इसलिए नहीं रखा, क्योंकि मैं विशेष रूप से आपको बता दूं कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं करा रहे हैं हम। हमने सब बच्चों को समान रूप से बुलाया कि आप लोग बनाओ। इसमें जो भी स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हमारी ओर से एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन व एक मेडल दिया जा रहा है। वह स्कूलों को भी धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने आके यहां पे हमारा साथ दिया, ताकि हम इस अपने कॉज के लिए पूरे कर पाए। तारागंज काला सैयद पुल के पास बने कृष्ण मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया। गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जो पड़ी हुई है और मुकुट में पत्थर दिया है साहब, तोड़ दिया है, जो है जो उंगली पूरी तोड़ दी है साहब, ऐसे तोड़ दिया जो पत्थर रखा है साहब, इस पत्थर से तोड़ा गया है। नशा करने वाले लोगों को बंद किया जाए, साथ ही गश्त बढ़ाई जाए और कब्रिस्तान में तलाशी ली जाए, वहाँ पर नशा करने वाले लोग वहाँ बैठते हैं, क्या स्थिति है उनकी, उन पर केस दर्ज किया जाए, उनको बंद किया जाए और नई मूर्तियाँ स्थापित की जाए। नहीं होता है तो बजरंग दल सीधी कार्रवाई करेगा, खुद पैरवी करेगा, यहाँ पर आकर पहरेदारी करेगा, नशा करने वाले लोगों को बंद पकड़ेगा और सीधी कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ। अभी तक कोई प्रशासन का जिला अभी जनगण थाने प्रभारी आए थे और उनके सफाई कुछ यहाँ पर हैं, उसी व्यवस्था में लगे हैं, कौन यहाँ क्या पता कर रहे हैं, आश्वासन कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी, वो खाली इतना बोले गए हम देखते हैं किन लोगों ने किया है। मेरा नाम परशुराम कतरोली है। परशुराम जी, क्या मामला है, कोई आकर किस जगह से आईडी चेक सुरी? वैसे मामला तो ठीक है, पता नहीं कोई सरफरा कोई दरुआ या नशेसी गजेंसी जो यहाँ आकर के अपने गिरिराज जी मंदिर पे जो है ये कृत्य कर गया है, ये बहुत बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। वैसे एक आदमी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा मत है। हमारे टी आई साहब आए थे और देख गए हैं और कार्रवाई जो कर गया है कृत्य उसके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ग्वालियर द्वारा आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आज दूसरे दिन कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्मों को दिखाया गया। I see myself at 7. I wanted to play with you. The boy is into looking girls. Why can't I? You can choose to be a boy or a girl. देखिए 14 फरवरी 2013 को पूरे विश्व में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसके खिलाफ 1 अरब लोग अपने हाथ उठाएंगे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये उसी सिलसिले में पूरे विश्व में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक दौर है जो एक भोपाल की संस्था है एका और आईवर्ट, उनके साथ मिलकर हम लोग एक 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि एक सर्वे बताता है कि 50% महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार हुई हैं, उसी तरह विश्व में भी 1/3 महिलाएं जो है ना उनका संभावना ये है कि या तो हिंसा की शिकार हुई हैं या उनके खिलाफ हिंसा होने की संभावना है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये सब जो है ना बंद होना चाहिए, लोग इसके लिए सेंसिटाइज हों और लोगों में ये संवेदना आए कि
कि महिलाओं से किस तरह का व्यवहार उनका किया जाना चाहिए उनके साथ में, और जो असमानता है समाज में वो भी खत्म होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो हिंसा का वातावरण है वो भी खत्म होना चाहिए। आज का फिल्म का जो मुख्य इशू था, एक तो 1 बिलियन राइजिंग को लेके जिस तरह का वातावरण बन रहा है कि हम सबसे पहले उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से छोटी छोटी हिंसाएं और अत्याचार उनके ऊपर होते हैं, और थोड़े साहस के साथ यदि वो उठ खड़ी होती हैं तो अत्याचार बंद भी हो सकते हैं, हिंसा बंद भी हो सकती है, और उसी तरह की कुछ उसी थीम पर आधारित हैं। किसी बालिका के साथ में जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड शुरू होता है तो उसको जिस तरह के परिवर्तन और जिस तरह के सामाजिक दबाव से गुजरना पड़ता है, इसी तरह महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो कम्पीट करना है तो उसमें उनके साथ जो जब तक वो पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाएंगी तो पुरुष उनके साथ में कोई रियायत बरतने वाले नहीं है, तो इस तरह के कुछ विषय थे जिन पर आज फिल्में दिखाई गई थी, कल दूसरे विषयों पर दिखाई जाएंगी। इस तरह से तीन विषय पर मूलतः वो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, जेंडर से रिलेटेड इशूज़ हैं। बहुड़ापुर थाना अंतर्गत अवैध रूप से ट्रक में जा रहे राजश्री गुटके को पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त कर लिया। गुटके की कीमत लगभग 36 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता जी पीटी ऊषा ना बन जाए। नहीं सर, एक गुप्ता जी कहाँ से आया था? गुप्ता जी माल सर माल आया था गाजी। बताएं 36 लाख कानपुर नगर में पेट्रोल पंप के भदौरिया पेट्रोल पंप के बगल से देसी कलारी। नहीं अभी स्पॉट पे हैं, अभी तो हम लोग ये शर्मा जी वगैरह हैं यहाँ पे सब लोग सारा ये पुनीत सर भी हैं। वो पुनीत चैनल पे देखो, बीएसएनएल पे देखो चौकीदार वगैरह सुन। हेलो, अपने यहाँ राजश्री गुटका जो तमाकू युक्त गुटके हैं उन पर पूरी तरह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद भी जो है ये सूचना थी कि जो है गुटके का अवैध कारोबार चल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर में। इस पर जो है आज मुझे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, इस पर जो है ट्रांसपोर्ट नगर में मिस्टर संतोष गुप्ता इनके ट्रांसपोर्ट पर लगभग 36 लाख रुपए का माल है, 36 लाख से ज़्यादा का माल है, जो पूरा ट्राला जो ट्रक होता है 10 पहिया 12 पहिए का जो ट्राला होता है उस ट्राले के पूरा ओवर हाइट भरा हुआ है, इसमें लगभग 200 से ज़्यादा झाल राजश्री है जिसकी कीमत लगभग 36 से 40 लाख के बीच में अनुमानित कीमत है, और इसको पकड़ा गया है। इस पर जो है इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ से आ रहा था, किस कारोबारी के पास जा रहा था इसको? ये संतोष गुप्ता के ट्रांसपोर्ट पर उतर रहा था, कुछ माल उतर चुका था, कुछ उतर रहा था, और ये गाजियाबाद से आ रहा था। जो इनके पास बिल्टी है वो मुरैना से दिनारा की बिल्टी बनी हुई है कि मुरैना से दिनारा जा रहा था, उसमें लिखा मुरैना से दिनारा। क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? मेरी अभी एडीएम साहब से बात हुई है तो इनके खिलाफ फूड डिपार्टमेंट द्वारा इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। हाँ, पूरा पूरा पूरी गाड़ी ट्रक भी जब्त होगा और माल भी जब्त होगा, और गिरफ्तार कर लिया ट्रांसपोर्ट की नगर जो ट्रांसपोर्ट गोदाम में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इन पे की जाएगी। खुश हो जाएंगे, कितनी अच्छी मेरा संतोष गुप्ता सर। आ जाओ भाई। ये कहाँ से माल आ रहा था, क्या है पूरा माल? ये माल गाजियाबाद से आ रहा था, कमल ट्रांसपोर्ट हमारी गाजियाबाद में है, उस ट्रांसपोर्ट का माल था, यहाँ ग्वालियर क्रॉसिंग के लिए आया था और ये माल झांसी जाना है। हमारे पास इसके पूरे पुख्ता दस्तावेज हैं, पूरे पक्की कार्रवाई है और कागज़ हैं और बहती वगैरह सब कुछ हमारे पास कंप्लीट है। यहाँ क्यों उतर रहा था ये? यहाँ क्रॉसिंग होके दूसरी गाड़ी से यहाँ से लोड होके जाता है। मान लें कि क्रॉसिंग हो रहा था कि यहाँ खपाई जा रहा था? नहीं, इसके लिए हमारे पास कहाँ की बिल्टी? बिल्टी से दिनारा की है? नहीं सर, हमारी बिल्टी झांसी की बनी हुई है, गाजियाबाद से टू झांसी। आप ले जाओ।
एक्टिव मेडिकल सोसाइटी एवं मां भवानी सेवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में होटल सेंट्रल पार्क में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में 2 दिसंबर को लगाए जाने वाले विशाल चर्म रोग अवेयरनेस शिविर के बारे में जानकारी दी। माधव डिस्पेंसरी के सामने प्रेमी कॉम्प्लेक्स है, जो पूर्व में नवजीवन हॉस्पिटल के नाम से था। प्रेमी कॉम्प्लेक्स में इन्होंने अपना क्लिनिक का शुभारंभ किया है। जानते हैं उसको, वो अपने आजीवन रहती है जब तक दवाइयाँ और उसके कंट्रोल हो जाती है। जब तक दवाइयों का उस पर असर रहेगा और डॉक्टर की सलाह उसमें बनी रहेगी, तब तक वो कंट्रोल में रहेगी। जहाँ अपन दवाइयों का साथ छोड़ेंगे और वो अपना, ये एक शिविर है, परामर्श शिविर है, चर्म रोग का परामर्श शिविर है। इसमें निःशुल्क मरीजों का इलाज किया जाएगा और 15 दिन तक जो मरीज इसमें पंजीयन कराएंगे उनका 15 दिन तक आगे भी इसमें निशुल्क इलाज दिया जाएगा। और इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी महापौर साहिबा समीक्षा गुप्ता जी इसमें पधारेंगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डीन जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में डीन अपनी डॉक्टर वीना अग्रवाल जी वो इसमें पधारेंगी और मुख्य अतिथियों के रूप में, विशिष्ट अतिथियों के रूप में इसमें डॉक्टर अनुपम ठाकुर और डॉक्टर निशान ओलियाई जी इसमें रहेंगे और डॉक्टर राजीव राय सक्सेना जी इसमें रहेंगे। जनकगंज थाना अंतर्गत कटी घाटी पर ऑल्टो कार में पेट्रोलिज्म लीक हो जाने के कारण आग लग गई। कार में आग लगने के कारण 2 घंटे तक जाम लगा रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज दोपहर एक कार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही कार में सवार यात्री कूदकर बाहर आ गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार जनकगंज थाना क्षेत्र के कटी घाटी पर कार क्रमांक MP07B7471 बहुड़ापुर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक कार में से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठते देख कार चालक ने कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और उसमें सवार यात्री बाहर निकल गए। कार में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और एक गाड़ी पानी फेंक कर आग पर काबू पा लिया। एक गाड़ी लेके वहाँ से अभी नीचे कटी घाटी से और लक्ष्मीगंज की तरफ एक लड़का जा रहा था गाड़ी चला के, तो उस गाड़ी के पेट्रोल के बाहर से आग शुरू हुई शॉर्ट सर्किट से और गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना की दी गई, मेरे थाने के कर्मचारी ड्यूटी पे थे जो उन्होंने और मोहल्ले वालों ने मिलके उस आग को काफ़ी कंट्रोल किया। हाँ दीवानजी वही थाने का स्टाफ कहलाता है वो, और उन्होंने कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, तो जिसने कि आग के सिलेंडर उसको पेट्रोल के टैंक को फटने से रोका और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी चालक गाड़ी छोड़ के बाहर निकल गया था। गाड़ी चालक का नाम क्या है? नाम तो अभी पूछा नहीं है, अभी आग बुझाई है जो भी नाम हो। सांसन रोड स्टेट बैंक के पास छोयांग इंडिया द्वारा हमारी जिंदगी में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मोक्सीभूषण और मसाज के द्वारा सेहत और खुशियां दी जा रही हैं। यह थेरेपी आम आदमी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। बोले थे अपने पास गाड़ी उसमें धुआं निकलता है और सवार। ये छोयांग इंडिया थेरेपी सेंटर है और इसको खुले 7 महीने हुए करीबन, और यहाँ से करीबन 1000 लोग ठीक होकर जा चुके हैं और रेगुलर में यहाँ 400 लोग थेरेपी लेने आते हैं और हर बीमारी का यहाँ पर इलाज है और फ्री है। और जो लोग ऐसे मतलब परेशान लोग हैं जो कि बिल्कुल भी अपना इलाज नहीं करवा सकते और वो यहाँ पर आकर इतना अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, इतना अपने जीवन को एहसास फील कर रहे हैं इस थेरेपी का कि इससे अच्छा कोई इलाज उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। और ऐसे ऐसे रिज़ल्ट हमारे यहाँ थेरेपी में ठीक हो गए हैं
जो कि आँखों की समस्या थी, आँखों की समस्या उनकी ठीक हो गई, और कान से जिसको सुनाई नहीं देता था कान से सुनाई देने लगता है। अभी जो हमारे यहाँ सेंटर में 4 महीने से एक दीदी आ रही थी, उनको कंसीविंग की प्रॉब्लम थी, उनके कोई जो प्रॉब्लम थी वो जेनेटिक प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से आम आदमी के लिए तो बेहतर सुरक्षा यही है कि वो अपना फ्री में इलाज करवा सकता है। और हम डॉक्टर पर एक बीमारी के लिए जाते हैं, हमारे सेंटर में एक बीमारी को लेकर आता है और अपने आप बॉडी की 40 बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस ने किया अवैध गुटखा जब्त, कीमत लगभग 36 लाख। जीटी एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। बेटी बचाओ अभियान को लेकर आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता, 400 बच्चों ने लिया भाग। और कटी घाटी पर ऑल्टो कार में लगी आग, हुआ चक्का जाम। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।